वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम अशोक लेलैंड लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। अशोक लेलैंड में भी देखिए देखिए तकरीबन काफी वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। जनवरी मंथ खत्म होने के बाद यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम नजर आने लगी, वॉलेटिलिटी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो हम लोग न्यूज चेक करेंगे, फिर उसके बाद चार्ट एनालिसिस के ऊपर भी नजर डालेंगे। फ्राइडे के दिन तो 153.90 पे क्लोजिंग दे चुका था स्टॉक। 155 लेवल पे यहाँ पे रजिस्टर लेता हुआ नजर आ चुका था, क्योंकि 155 लेवल पे दो बार यहाँ पे रजिस्टर लेके गिरावट नजर आ चुकी थी। तो यहाँ पे देख सकते कि तकरीबन सबसे पहले न्यूज की बात की जाए तो न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे कोई खास न्यूज है क्या। अशोक लेलैंड स्टैंड अलोन डिसंबर 2022 नेट सेल्स एट रुपीज 9029 करोड़, 63% अप ईयर ऑन ईयर, जो कि अच्छी बात है। तो देख सकते हैं कि तकरीबन चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे रिसेंटली देखा जाए तो ये डेली चार्ट फ्रेम है अशोक लेलैंड स्टॉक के लिए। तो डेली चार्ट फ्रेम के अंदर यहाँ पे आप लोग नजर डाल सकते हो कि स्टॉक ने यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली। इंपॉर्टेंटली जो रिजिशन था 150 का रिजिशन था उसको ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने और रिसेंटली एक अच्छे मोमेंट के साथ ऊपर जा रहा है। पर ऊपर जो रिजिशन लग रहा है वो है 155 का, तो 155 को ब्रेकआउट मिलता है तो 160 तक जाने के जो चांसेस है ओपन हो सकती है स्टॉक के अंदर। पर देख सकते कि वोलेटिलिटी भी बहुत ही पिछले 7-8 दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। नीचे देख सकते जो ब्लू कलर की लाइन 200 मूविंग एवरेज उसी का सपोर्ट लेके स्टॉक ने बाउंस बैक किया है और एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते कि इंट्राडे के हिसाब से हम लोग 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लगा के भी चेक करेंगे स्टॉक के अंदर कौन से रेजिस्टेंस सामने देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग नजर डाल सकते हो अंबुजा सीमेंट यहाँ पे 55 लेवल पे, यहाँ पे 155 लेवल जो है रेजिस्टेंस एक्ट हो रहे, काफी रेजिस्टेंस ले चुका है पिछले 2-3 दिनों में स्टॉक ने। यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉप भी करेंगे जो कि आप लोगों के समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते कि ए लाइन इंपॉर्टेंट है, 155 को ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है 160 लेवल तक। तो और नीचे आता है अशोक लेलैंड तो 150 लेवल सपोर्टिव एक्ट हो जाएगी स्टॉक के लिए। पर करंटली देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 152 लेवल भी सपोर्टिव एक्ट हो जाएगी।